मेरी भी अच्छी है ब्रो, तो जो नीचे का हल्का सा अनइवन बाल था उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ऑलरेडी इसमें स्टेप्स कट भी किया हुआ, तो हम लोग स्टेप्स में कुछ नहीं कर रहे, जैसे एक अपना फेदर वाला लुक दे रहे हैं फ्रंट के बालों के अंदर। सबसे पहले 0 डिग्री बेस लाइन हमेशा क्लाइंट से पूछ के लेंथ, और उसको तीनों साइड मर्ज करना है। हेड का डायरेक्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ, ताकि आपको कोम करने में काटने में कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपका परफेक्ट आए, बाल हमेशा गीले, ताकि ग्रिप अच्छी रहे। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, एक बी सेक्शन बनाना है, या डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट से बैक तक पूरा डिवाइड कर लेंगे। हाँ, सबसे इजी पूरा डिवाइड कर, 10 मिनट के अंदर हेटेड हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्लड ड्राई करना टाइम लगता है, बाकी कट बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ना मुझे एक भी क्लिप लगाने की जरूरत नहीं है, क्लिप लगा के हम लोग काम करते हैं ना, तो हमारे हेयर कट में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आगे से देखो ऑलरेडी उनका फ्लिक्स कटा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, अगर मैं इससे मर्ज करूंगा तो पूरा छोटा हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक नया गार्डन बनाना पड़ेगा, कहाँ से, अब देखो उसका फ्लिक्स भी काफी लंबा है, तो मेरा सेक्शन और पीछे से मुझे लेना पड़ेगा। नॉर्मली मैं लेता हूँ भी यहाँ से, बट इस इनके रेंज के अकॉर्डिंगली मुझे एक बड़ा व्यू क्रिएट करना पड़ रहा है, बिकॉज आगे का फ्लिक्स वाला पार्ट है, तो फ्लिक्स वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे और एक नया गाइडलाइन बनाया मैंने, अब इससे इसको पूरा कनेक्ट करना है। अब ये इतने पतले बाल हैं कि आप उसको 2 सेक्शन में भी खत्म कर सकते हो, पर ठीक है, आपका ग्रिप धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, ग्रिप के साथ काम करना। ठीक है, सेक्शन और जो गाइडलाइन बनाया मैंने वो कोम, और इसको नीचे की तरफ ही रखना। ठीक है, गाइडलाइन, तो देखो एक सेक्शन मैंने वी काटा, अब ये सेकंड सेक्शन कटा है, और मेरे बाल इतने पतले हैं कि मुझे इसमें से डिवाइड करने की मुझे लग नहीं रही जरूरत। हाँ, तो मैंने पूरा एक ही साथ ले लिया और ट्रेवल करते करते नीचे, ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे उठा के नहीं काटना। हाँ, हमको जब ज्यादा लेस देने तो हमारा एंगल जो रहेगा वो ड्रॉप होगा नीचे की तरफ, 45 डिग्री 0 0 0 डिग्री। हाँ, और फिंगर घूम के स्ट्रेट, मेरा ये 2 सेक्शन में फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कंप्लीट। सेम सेक्शन, अब ये सेक्शन चाहे आप हॉरिजॉन्टल लो चाहे आप डायगोनल लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप इसको जब आगे काटोगे तो आपका फिंगर का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा और एंगल ड्रॉप होगा नीचे की तरफ, नोज पे नहीं लाना, नोज पे लाएंगे तो आपके पास ज्यादा लेयर्स नहीं रहेंगे। खींचे, ठीक है, गाइडलाइन मेरा है, अगर लग रहा है गाइडलाइन समझ नहीं आ रहा तो पहला सेक्शन थोड़ा छोटा काट, क्योंकि गाइडलाइन क्लियर होगी तब आप पीछे का इजीली काट पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन, अब एक साथ मिलेंगे हो जाए। ठीक है, सेक्शन लिया, टाइट लाइन है, आगे लेके आया, फिंगर हॉरिजॉन्टल होल्ड किया, डन मेरा। हाँ, मेरा 2 सेक्शन के अंदर पूरा फॉरवर्ड ग्रेशन तैयार है। अब इसका ब्लू ड्राई करेंगे, अब ब्लू ड्राई के बाद हम लोग रिवर्स चेक करेंगे। ठीक है, तो
इसके बाद में रिवर्स चेक करना है, कुछ अगर मेरा पीस छूट गया तो एक ही सेक्शन में पूरा का पूरा ले लेंगे और चेक करेंगे। तो ऐसे उठा के चेक करना है ऐसे अपनी तरफ, हाँ दिखेगा आपको सेक्शन। तो ये पहले एक्स्ट्रा निकालना, ऐसे करेंगे तो नहीं दिखेगा, तो अपनी तरफ करना है और काटना है। एक भी बाल होएगा ना छोटा बड़ा दिख जाएगा, नीचे का भी, हाँ नीचे का भी आ जाएगा पूरा। उसके बाद आपको लगता है थोड़ा और आपको पॉइंटेड लुक देना है तो हल्का सा उसमें टेक्चर भी कर सकते हैं। टेक्चर जब करेंगे तो आपका सीजर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, क्रॉस होएगा तो छोटे हो जाएंगे बाल, तो उसको स्ट्रेट रख। फ्रंट का बाल ऑलरेडी पहले से कटा हुआ तो उसको हमने छोड़ दिया, नया गाइडलाइन बनाया है। ठीक है, तो देखो गाइडलाइन मेरी ये है, मैंने दूसरी गाइडलाइन फॉलो किया, ठीक है, तो ये पीस कट होगा। तो ध्यान रखना जो भी आप रिवर्स चेक कर रहे हो परफेक्ट आपको पता चलना चाहिए। जैसे हो गया वापस से को और उठाओ और टेक्चर, ये थोड़ा सा ना फास्ट होना चाहिए टेक्सचर, नहीं तो ज़्यादा बाल कट जाता है। आगे के बैंग नहीं आते ना सर? नहीं, ठीक है, देखो पूरा पूरा फैदर लुक आ गया। इसको कोई भी साइड में जिधर क्लाइंट को चाहिए उधर उसको मर्ज करो।